दुलार देंगे और आशीर्वाद देंगे। देवा जाना हो, मेहनत बहुत रही। मेरा पूरा भोजपुरिया समाज जिंदाबाद। आप जिंदाबाद हैं तब आपका भाई जिंदाबाद है, आप आबाद हैं तो हम आबाद हैं, आप ठीक हैं तो हम ठीक हैं। लव यू हमारी हमारे भोजपुरी। संजय वर्मा जी इधर आइए। गाना चला दीजिए। फिल्म में ये भी बहुत अच्छा अच्छा अपने जीवन में प्रयास किया और कर रहे हैं, आगे करेंगे भी। हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत उच्च कोटि के कलाकार हैं। आज इनका मैं नाम देता हूं आप लोगों के बीच में। आज के बाद कोई भी इनके ऊपर न्यूज अगर बनल या आप लोग बनाएंगे तो इनके नाम के पीछे लगा दीजिएगा सलाई रिंच स्टार। ये हर जगह फिट हो जाता है मेरा भाई, इसके अंदर ये कला है। चाहे आप कितना भी गुस्सा हो, नाराज हो, बट एक बार आएगा सामने भैया लव यू मेरा भाई। चलिए, हम सब कलाकार हैं। देखिए, हंसी मजाक नहीं करेंगे क्योंकि घर जाने के लिए एक साल पे भी समय नहीं मिल पाता है, दो साल पे भी नहीं मिल पाता है, जाते भी हैं तो 5 मिनट के लिए। तो हमारा रियल परिवार ये है। मान लीजिए हम सब भाई यहाँ पे हैं, भगवान ना करे लेकिन किसी का अगर थोड़ा सा भी तबीयत लो होता है तो यहीं पर ऐसा भाई कोई होगा जो उठा के ले जाएगा दिखाने के लिए। सही बात है। तो हमारा रियल परिवार यही है। घरों से मान लो न्यूज मिली तो 5 घंटे के बाद लोग पहुंची ना। सही बात। तो हम चाहते हैं कि हम सब सेट पे रहे तो हंसी मजाक करके रहे, खेल के रहे, मिल के रहे एक दूसरे से। हर हर गंगे हमारी फिल्म को आप लोग आशीर्वाद दीजिए और भोजपुरी इंडस्ट्री में हमारे जितने भी भाई हैं, जितने भी कलाकार हैं, जे अच्छा मेहनत करे, जे भी अच्छा फिल्म बनावे, वो चाहे मेल हो या फीमेल, मेल स्टार हो या फीमेल स्टार हो, कोई अच्छा काम करे, आप सब उसको आशीर्वाद दीजिए, दुलार दीजिए, प्यार दीजिए और अपने अपने लाइफ में सबको आगे बढ़ाइए और खुद भी आगे बढ़िए। खाली यूट्यूब पर ध्यान देना से ना हो। सही बात है भैया। आप लोग हम सबको भी प्यार दीजिए और खुद से भी प्यार कीजिए। यूट्यूब के अलावा अपने जीवन के भी बारे में सोचिए कि हमको भी कुछ बनना है। सही बात। ठीक है भैया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्योंकि हम सब भाई अगर ठीक रहेंगे तो हमारे माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा, हमारे माता पिता खुश होंगे और जौने लड़का से माई बाप खुश रहे, माई बाप खुश रह, उससे बड़ा संपत्ति इस जीवन में किसी के लिए हो नहीं सकता। ये डायलॉग वायरल हो गया। ठीक ना, आगे क्या बोलूं मैं। ये हमारा बेटा है जिनका नाम है प्रियांशु सिंह जी। ये रूम में आता है तो मुझे पवन चाचा बोलता है और इंस्टाग्राम पे कुछ लिखता है तो पवन भैया लिखता है। घर मेरा बाबू इतने कम 2020 में हमसे मिला ये लड़का, आज देखिए अपने मेहनत के दम पे इसके भी नाम के आगे सुपरस्टार लग गया। लव यू भैया। हमारे राइटर साहब यहाँ पे मौजूद हैं, रोशन विश्वास जी। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे लगता नहीं है। वाह वाह। लव यू मेरा भाई। हमारे सब भाई मेहनत कर रहे हैं और मेरा दुलरुआ भी यहाँ पे मौजूद है जिसका नाम है ऋतिका। इधर आ। मेरा छोटा भाई है, मेहनत कर रहा है, आप लोग इसको भी इतना सारा प्यार दीजिए कि मेरा भाई भी सुपरस्टार बने। और ये तो मेरा सगा भाई है, बट आज आप सबको बता दूं कि यहाँ पे जितने भी खड़े हैं मैं इनको एक लाफा मार सकता हूँ बट आप सब से मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। ठीक है। तो देखिए क्या है, आदमी सुनता है अरे अरे अरे, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा हमको आंख बंद किए हुए एक हफ्ता हो गया, बट मैं अपने रूम में आया और हमारे प्रिय मित्र दीपक भैया,
दीपक जी बोले कि भाई सब 7 बजे से बैठे हैं, चलिए ना जल्दी, हम मेरे रूम में भाई 5 मिनट धन्यवाद किया सुस्ता लेते। तो आप सब का चर्चा जब कान में आता है ना तो आदमी खुद को रोक नहीं पाता है। क्या बोल रहा था मैं भूल गया। खैर जो भी है, सबको मेहनत करिए, सबको आगे बढ़िए। हाँ ये बोल रहा था कि ये हमारे भाई हैं ऋतिक सिंह, जितने भाई हमारे जानते हैं उनको तो पता ही है कि ये मेरा भाई है, बट मैं रास्ता चलूं और ये रास्ता पर कोई भी अनजान लड़का बोल दे कि हमारा कौन भैया जाता है, तो वो होता है इंसान का माना। वो रास्ता चलते हुए कोई अनजान बोल दे कि मेरा बेटा जा रहा है, कोनो माई बोल दे, कोनो बाप बोल दे हमारा लड़का जाता है, देखा हमारा लड़का जाता है, इसको बोलते हैं असली संपत्ति। हम तो इसको एक लाफा भी मार देंगे तो भी लोग बोलेगा छोड़ा ना पवन सिंह के साथ भाई है। लेकिन जब तक आपका प्यार नहीं मिलेगा तब तक एकता नहीं हो सकती है और तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो पहले आप हैं, पहले आप क्या है, पहले हम हैं, फिर आप हैं, फिर पहले आप हैं, इसके बाद फिर हम हैं, सब एक है। हम सब भाइयों को मेहनत करना है, मिलके सबको आगे बढ़ना है। हमारे इस महफिल में क्यूट सी एक लड़की है जिसका नाम है श्वेता झा, रील बनाती है, अपना पहचान बना रही है, बन भी गया है, और भी आप लोग प्यार दीजिए कि इसका इसका पहचान बने। पंडित जी हो कहे के पाप चढ़ाओ ठीक ना। और भी बहुत सारे सुपरस्टार के साथ इन्होंने काम किया है, और कल इन्होंने मेरे साथ एक देवी गीत किया है, कल या परसों देवी गीत आप सबके सामने रही। अच्छा प्रयास पर थोड़ा सा कुछ अलग सोचा गया है, आप लोग ये मत सोचिएगा कि पवन भैया ने मजाक किया है, नहीं, माई के दरबार में इंसान हो या जानवर माँ के लिए सब कोई बराबर है। तो यही एक मैंने सोच इस बार सोचा है, मेरा बाबू ने प्रियांशु ने गाना बनाया है, श्वेता ने काम किया है, संजय भाई ने काम किया है, हम सब काम किए हैं, उम्मीद है कि आप सबको पसंद आएगा माई के भजन। तो हम सब मिलके एक प्रयास किए हैं, एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश किए हैं, ट्रेलर आ गिलवा अरभर के प्यार मिला। और उसमें पवन जी की बात कही जाए तो मुझे लगता है कि सूरज को दिया दिखाने वाली बात हो जाएगी। पवन जी अपने आप में एक ऐसी शख्सियत है कि जो बनावटी जिंदगी जीते ही नहीं, वो जैसे हैं, जो उनको कहना है, जो उनको बोलना है, वो सीधी बात करते हैं। और सीधी बात करने वाला व्यक्ति हो सकता है कहीं आपके नजर में थोड़ा सा रूडली लगता हो, लेकिन सही बोलने वाला इंसान, सच बोलने वाला इंसान कभी आपको अंधेरे में नहीं रखेगा, जो है वो आपके सामने रहेगा। तो थोड़ी बहुत तकलीफ पवन जी को भी होती है, इस टेरर को लेकर के काफी सारी चीजें हुई। हम देखे कुछ लोग भाई हमारे इंटरव्यू किए थे और इंटरव्यू में भी बहुत सारी बातें आई, उसको काट छांट करके इधर उधर जोड़ के। चंदन उपाध्याय बहुत ही अति प्रिय हमारे भाई।